नमस्कार, मैं पद्मिनी हूँ आपके साथ। बाबा राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। चलते खबरों की ओर। मुन्ना कुमार हत्याकांड का खुलासा, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के 26 फरवरी को मुन्ना कुमार हत्याकांड का उद्भेदन किया गया। एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी मनोज स्वर्गियारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि मुन्ना कुमार की हत्या पारिवारिक विवाद में दुश्मनी के कारण की गई। मृतक अपने बड़े भाई दीपक कुमार एवं उनकी पत्नी को काफी परेशान किया करते थे, जिसके कारण कोई उपाय नहीं देखकर अंत में दीपक कुमार ने साला और दोस्त से मिलकर हत्या करने का साजिश रची गई। इस साजिश में दीपक कुमार के साला विनय कुमार और विवेक कुमार, जो जमुई जिला के रहने वाले थे, और दीपक के दोस्त शुभम कुमार ने मिलकर शुभम की हत्या करने में शामिल थे। इस कांड में उपयोग किए गए हथियार लोहा का खुखड़ी, लोहा का मूसल, मृतक का मोबाइल और बाइक बरामद की गई। वहीं इस हत्या में शामिल दीपक कुमार, विनय कुमार, विवेक कुमार, शुभम कुमार को गिरफ्तार किया गया। 26 तारीख को पुटकी थाना अंतर्गत एक हत्या कारित की गई थी मुन्ना कुमार का, जिसमें उसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से धारदार पिया से गला काटने से किया गया। विक्टिम के द्वारा कुछ लोगों पर शक जाहिर किया गया था। हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया तो हमारी पूरी टीम एएसपी मनोज के नेतृत्व में, हमारे अफसर इंचार्ज कुटकी, अफसर इंचार्ज बैंक मोड, जेएसआई के द्वारा सभी बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू किया गया। फाइनली ये पाया गया कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में था, उनके विरुद्ध जब हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने हर एक बिंदु को जब तहकीकात की तो फाइनली ये पाया कि उसमें जो उसका अपना भाई है दीपक कुमार के संलिप्तता सामने आई और जो पूरा हत्या कारित करने का जो क्रम था, जिसमें दीपक कुमार ने अपने दो साले शुभम और विनय और विवेक जो उसके दो साले थे, उससे भी उन्होंने वो उन दोनों को बुलाया गया था, और विनय और विवेक ने अपने साथ अपना एक दोस्त शुभम को भी बुलाया था। ये तीनों जो है बिहार के रहने वाले हैं नवादा के, और इन चारों ने मिलकर के ये हत्या कारित किया है। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले।